दोस्तों निकल गए भाई ट्रैकिंग चालू। यहाँ से पहले गौरीकुंड जाते हैं और जोर से बोलते हैं भाई बोलो शंकर भगवान की जय। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई की यहाँ दाग देनी पड़ेगी। दोस्तों ट्रैकिंग हो गई है चालू। भाई पहले ही उतर गए क्योंकि जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। देखो क्या चार्ज लेते हो ये पिट्ठू का? पिट्ठू का है ब्याग का 2500 रेट है। 2500 आदमी का 50 किलो का वजन का उसका है 6000। 50 किलो से ऊपर का है तो 6000। नॉर्मल बंदा है तो 2500। नॉर्मल बंदा का नहीं है, सामान का है। सामान का बच्चा का है 3000-2500। बच्चे का 3000-2500। ये जाने जाने का है या आने का है? जाने का है। जाने जाने का आने का। कितने वजन तक आप उठा लेते हो? हम उठाते 60 तक 60 तक। 60 किलो वजन और उससे ऊपर अगर बंदा हुआ तो उसको तो पालकी में भेजेंगे। पालकी में भाई बहुत मेहनत करते हैं यार, और बहुत मेहनत भी लगती है भाई यहाँ से। और आप हो कहाँ से? नेपाल से। ज्यादातर ये नेपाल के हैं। हाँ नेपाल के भाई स्ट्रांग होते हैं भाई, मानना पड़ेगा। थैंक यू भाई। ओके ठीक है। पैदल मार्ग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गौरीकुंड का। और यहाँ देखो भाई चेक पोस्ट है। कुछ खाने के लिए फल फ्रूट, यहाँ मैगी और ये भाई हमारे भाई ट्रैकिंग मानना पड़ेगा भाई। भारी भरकम शरीर है और ट्रैक कर रहे हैं। भैया गौरीकुंड पर पहुँच चुके हैं। ये रहा गौरीकुंड। भाई डिमांड आ रहा है, भूख लगी हुई है। भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है पहले दोस्तों कुछ खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे ट्रैक के लिए। और हमारे दोस्त ये पार पिछड़ जा रहा है। और ये देखो भाई यहाँ का पूरा डिटेल। गौरीकुंड यहाँ खाने पीने का जगह है भाई, खा पी के आराम से फिर निकलें ट्रैक के लिए, ताकि ट्रैकिंग में दिक्कत ना आए भाई। दोस्तों चढ़ाई करते करते भूख लगी थी तो यहाँ रुके हैं, पराठे खा रहे हैं। पराठे खा के थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद निकलेंगे। अभी एनर्जी कम है तो पराठे खा के उसके बाद निकलते हैं, पराठे और चाय। देखो आगे आगे बढ़ते बढ़ते छोटी सी जगह हो गई है। ये गौरीकुंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखे ये मंदिर है। भाई ये गौरी मंदिर है। और यहाँ पे सारे श्रद्धालु आए हुए। चलो अब तुरंत ही निकलते हैं। ये है वो गरम कुंड, इसमें गरम पानी आता है अपने आप ही, यहाँ लोग नहाते हुए। यही गौरी कुंड का कुंड है, यहाँ गर्म पानी देख रहे हैं आप। देखो भाई दो ट्रैक बनाया गया आने और जाने का। वाला
भाई यहाँ से घोड़े की जो सवारी लेते हैं, खच्चर घोड़ा कुछ भी कह लो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दे दे और ऊपर भाई बार बार हेलीकॉप्टर आता जाता, मेरा दिशान खड़ा, मेरा ललित भाई खड़े। देखिए ये पालकी होती है तो चार बंदे उठा के ले जाते हैं। भाई ये एंट्री गेट चढ़ाई करने के बाद आपको मिलेगा। हाय गाइस, हेलो भाइयों, ऊपर चढ़ चढ़ के हो गई हालत खराब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी तो 1 किलोमीटर ही चढ़े और हालत देखो। ये तो बहुत ऊपर का ट्रैक है, आदत खत्म हो गई है भाई बाइक से घूम घूम के। ये देखिए ऐसे 1640 बने हुए। यात्रा में तो काफ़ी सही है और आनंद भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है पैदल वालों के लिए भी यही रास्ता है और खच्चरों के लिए भी यही रास्ता है। सही बात। जब ये देखो भाई इतने अच्छे चढ़ाई कर रहे हैं तो यंग को तो जरूर पैदल यात्रा करना चाहिए। ओके ओके जी, वेलकम वेलकम। तो भाई देखो बिना खच्चर के आंटी लोग की एज कितनी ज़्यादा है, फिर भी वो चढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ लोग चलने लायक होते हुए भी खच्चरों पे, तो ये चीज़ सही नहीं लगता। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है भाई, जो मेन यात्रा है भाई वो पैदल का ही है। तो चलते रहो, मौज काटते रहो। इन अम्मा की एज कितनी होगी, इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। यात्रा इसी को कहते हैं पैदल यात्रा, जो भगवान की लगन होती है। देखो देखो यार, ढाई किलोमीटर की चढ़ाई हो गई है और ऊपर आते आते हमें अंकल जी और आंटी मिले। अंकल की एज लगभग 70 साल की होगी होगी, आंटी भी इसी एज की है। ज़रा बात करते हैं कैसा लग रहा है केदारनाथ यात्रा पैदल पैदल, थोड़ा जानते हैं अंकल आंटी से। अंकल जी आपका नाम? केसी पांडे। केसी पांडे। और आंटी जी आपका? गीता पांडे। गीता पांडे। कैसा लग रहा है अंकल जी आपको? बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ रहा है। आपने खच्चर क्यों नहीं लिया? खच्चर में कुमार विश्वास से प्रभावित होकर मैंने पशुओं पर अत्याचार करना छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कुमार विश्वास कहते हैं केदारनाथ भोले शंकर पशुपतिनाथ हैं, तो मैं पशु पर अत्याचार करके अपने भोले को प्रसन्न नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं पशु या जानवरों का वो आदमियों का इस्तेमाल नहीं करता। ओके बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिन लग जाए कोई बात नहीं। चलो जी देखो कितनी अच्छी बात बताएं कि भाई पशुओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, जहाँ तक अपनी क्षमता है वहाँ तक खुद से करो, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। लेकिन अंकल जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अंकल जी इसी बात पे बोलो केदारनाथ जी की जय, भोले बाबा बम बम भोले, बम बम भोले। चलो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको आगे। अभी बैग की सवारी ले लिए, मतलब हमने सवारी नहीं ली, बैग अपना भाई को दे दिया रखने के लिए, क्योंकि वेट बहुत है भाई बैग में, तो यही निर्णय लिए। अब हम चलेंगे पैदल पैदल, भाई आएंगे पीछे पीछे। ठीक है, चलो ठीक है भाई। यार स्वर्ग है भाई स्वर्ग। ये जो देख रहे टीस लगा हुआ है इसे कहते हैं जंगल चट्टी।
अब एक रेस्ट लेते हैं यार, नींबू पानी वगैरह पीते हैं, देखते कहाँ मिलता है वहीं रुकेंगे। इस बुग्गी का अभी अम्मा जी को लेके आ रहे थे, देख कितने किलोमीटर से ला रहे हो? केदार से। केदार से के ऊपर से ला रहे नीचे? कल ऊपर लिया आज नीचे। अच्छा आज नीचे ला रहे। कितने किलोमीटर का ट्रैक है ये? 18 किलोमीटर। और ये सवारी क्या रेट लेते हो? ये नाइट होल था। नाइट होल है इनका। क्या है? नाइट होल से कॉल थे ऊपर। अच्छा कितने चार्ज लेते हो आप? 16,000 एक लोग का। अप डाउन 16,000 दो दिन का। ओके भाई बहुत मेहनत करते हैं यार, चार लोग रहते हैं, ये नीचे से ऊपर तक लेके आए। वाह भाई वाह भाई, सलूट है भाई। भाइयों 7.5 किलोमीटर हमने पार कर दिया और ये रहा केदारनाथ, 10.5 किलोमीटर। और अभी टाइम आपको बता दूं, हम निकले थे 10:30 बजे, 1 बज गए, 1:07। चलो अब और आगे चलते हैं। ये देखो एक और झील, और ये काफ़ी नीचे तक गई है, और ये ऊपर से आ रही है भाई। तो आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ना, ये यूं जो गया हुआ है, ये वही रास्ता है जो आप केदारनाथ मूवी में देखे हैं शूटिंग के टाइम। और वो जो सामने देख रहे हैं, जो ताजदी आई थी केदारनाथ में, वो उसी साइड से आई थी। पहले एक रास्ता उस साइड से था लेकिन वो अभी बंद है, इधर से देखते हैं इधर से है या नहीं रास्ता, कहाँ कहाँ से गया। चलो ठीक है दोस्तों अब निकलते आगे। दोस्तों एक तो ये रास्ता गया हुआ नीचे से, और एक ये रास्ता गया हुआ, कहते हैं अगर शॉर्टकट लेना है तो भाई यही रास्ता है। हाँ धुंधला दिख रहा है बहुत छोटा सा, आ जाओ वापस आ जाओ नीचे आ जाओ। तो भाई मेरे, अरे कुछ चालू है भाई, ये ही वो जगह थी जहाँ पे क्रॉस किया था, पूरा सब कुछ बहा ले गया था भाई, ये पुल भी टूट गया था, ये अभी नया बना है। ये देखो एक एक साइड में पुल है वो नया बना है, ये पुराना पुल था जो बह गया था। अचानक ये मौसम में बदलाव, पूरे बावारी, और ये हवा भाई, ओ माय गॉड भाई, देखते तो ऐसा लग रहा बारिश भी ना आ जावे भाई। हाय भाई अचानक देखो भाई मौसम में बदलाव, और क्या आए हाय, और हवा देखो भाई क्या हवा चलने लगी भाई, ओ माय गॉड, अब हेलीकॉप्टर बंद कर देंगे भाई। ये देखो भाई, देखो भाई बादल, नीचे से बादल आ रहा है भाई, मौसम में तुरंत ही बदलाव हो गया भाई। 5 मिनट हम बैठे यहाँ पे, अभी धूप हो रही थी, ओह तेरी, देखो भाई अभी आपको ये नज़ारा दिखाया था ना एकदम क्लीन, ये देखो बादलों ने घेर लिया। ओ भाई मेरे, देखो भाई अभी ये भी पूरा घिरने वाला है, पूरा घिर जाएगा भाई अभी थोड़ी देर में, ये देखो देखो भाई गायब हो गया, अभी ये नज़र आ रहा था ये गायब। अब भाई चलो भाई, स्थिति देख के गड़बड़ लग रही है मुझे तो कुछ। दोस्तों अचानक मौसम में बदलाव के कारण अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे इतनी ज़ोरदार धूप थी, जो कि हम बात डिस्कस कर रहे थे कि धूप में हेलीकॉप्टर यहाँ चलता है, बोलते ही
ऐसी धुंध हो गई कि लग रहा है जनवरी के मौसम में जो कोहरा होता है वो हाल हो रखा भाई। और खड़ी चढ़ाई है और चढ़ रहे भाई, ओह हालत डाउन। केदारनाथ 8.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये देखो भाई यहाँ ट्रैक्टर भी चढ़ गया भाई। ये भाई भी आ रखे हैं, ये एक कर्नाटक से और एक भाई राजस्थान से। क्या नाम क्या है भाई आप दोनों का? हमारा नाम है किरण पंचाकट्टी। अच्छा, और आपका? शंकर। चलो यार ये अच्छा लगा कि भाई ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग करने का मतलब यह है जिंदगी में कुछ नहीं है। हाँ, अगर भाई दर्शन के लिए आ रहे हो तो ट्रैकिंग से बढ़िया और कोई साधन नहीं है। वही वो भाई दर्शन करने आ रहे हो यार, जानवरों को भी तकलीफ दोगे खामों का। जिसकी हालत नहीं है वो अगर चले तो समझ में आता है, बुढ़े और बुजुर्ग के लिए तो ठीक है, बट यार हट्टे कट्टे जो जा रहे हैं उनके लिए तो बेकार है यार। चलो दोस्तों अभी 8 किलोमीटर और रह रहा है। भाइयों मौसम हो गया एकदम ठंडा, बट ठंड इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ट्रैकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, शरीर में आ रही है गर्मी तो फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई ठंड का। तो पीछे आप देख ही रहोगे धुंध, और आगे दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। और ये देखो देखो भाई, और सामने का बंदा भी धुंध में दिख रहा है। और ये देखो ये पूरा बादल ही बादल है भाई, आप इसे धुंध बोल लो या बादल बोल लो बात एक ही है। भाइयों चलने लगे, हवा बहुत तेज और अभी मौसम काफ़ी ख़राब है, सांसें फूल रही है भाई, काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। और ये देखो मौसम भाई, पुल भी नहीं दिख रहा अब तो जिधर से आए थे, सारी चीज़ें गायब हो गई भाई बिल्कुल। एनर्जी बढ़ाने के लिए डेरी मिल्क। चलो भाई रास्ता भी बहुत दूर है अभी तो। हो गई बारिश चालू, आप रेस्ट ले रहे हैं भाई? जब बारिश आएगी ना तो उल्टा सीधा सब बेकार है। कोई मिल गया बन गया भाई, जादू। वो तो मैं बनने वाला हूँ जादू वाला रेन कोटेज के पास। अब मेरे को ये नहीं पता वो यार सही है जादू वाला या किन्नी वाला लगता है, सब एक से पहन के फिर निकलो भाई। रेन कोट पहन के हो गए तैयार, सभी एलियन बन चुके हैं। बारिश होने लग गई है, रेन कोट सब हो गए खुल चुका है। और भाई तुम्हारा भाई भी अनोखे ही लग रहे हैं यार, ये देखो निशांत हो गई है तेज। ओ भाई मेरे, एक रास्ता उधर गया हुआ है और एक रास्ता ये है भाई, तो हम जा रहे हैं इस रास्ते से गोप्रो को बचाते हुए झुक के चल रहे ताकि गोप्रो में पानी ना जाए। वैसे तो वाटर प्रूफ है बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। चलो भाई दोस्तों सामने का नज़ारा देखो यार, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखो भाई देखो भाई हेलीकॉप्टर जाता हुआ भाई, धन्यवाद है इनका जो तुरंत ही आके काम करते हैं भाई। ओ भैया क्या ही ग्लेशियर दिख रहे यार।
केदारनाथ जब आओगे तो यहाँ पर फ्री में दवाई मिलती है, जो भी कोई तकलीफ हो तो यहाँ से ले सकते हैं। देखो भाइयों अद्भुत नज़ारा, ऊपर ग्लेशियर क्लियर है, जहाँ धूप है और बीच में देखो धुंध हो रखी है, नीचे क्लियर है। और भाई हम तीनों चलो मंदिर पे। दोस्तों मंदिर के पास जस्ट, और देखो भाई दोस्तों। तो यार रात वीडियो ख़त्म करनी रह गई थी, क्योंकि आए जूते वगैरह गीले थे और कपड़े भी गीले थे, तो आए तुरंत ही सो गए बिना खाए पिए। अब क्या करें, अब भाई सो गए थे तो नींद आ गई, वीडियो एंड करना भूल गया था। तो अब इसी बात पे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो नए चैनल पे आए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना भाई, और बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वो भी इतनी बेहतरीन मतलब औसम वीडियो के साथ मिलेंगे, जो आप दर्शन करके खुश हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद। We'll be right back.